अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी कज़न की बर्थडे सेलिब्रेट करने। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अब हम चल रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गए हैं कबीला रेस्टोरेंट। अब यहाँ अंदर जाके आपको मज़ीद दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। ये कुछ ओल्ड जनरेशन भी हमारे साथ है, ओल्ड जनरेशन भी हमारे साथ जा रही है, हम यंग जनरेशन के साथ ओल्ड जनरेशन भी जा रहे हैं। क्या ऑर्डर करना है यार, जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, भूख बहुत लग रही है। रोटी छोटी का ऑर्डर दो। ये इसकी बर्थडे है तो आज इसकी मानेंगे हम। ये क्या मंगवाती है देखते हैं। अम्मी का चिकन मंचूरियन हो गया, कौन सा तुम्हारा क्या? मेरा बहुत खराब है, इन लोगों का अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा क्या मंगवाएंगे। यार कौन सी बोटी? हाँ मेरे लिए देसी, हम देसी लोग हैं तो देसी डिश खाएंगे। नहीं बिहारी, बिहारी नहीं। 200 साल बाद जाकर इनका डिसाइड हो गया कि इन्होंने क्या मंगवाना है। मेरा तो मलाई टिक्का। ये बर्गर बच्चे हैं, इनकी चाइनीज डिश आ रही है। ये मेरी अम्मी और ये मेरी आंटी। आंटी आपने क्या मंगवाया है? अम्मी आपने क्या मंगवाया है? अम्मी अम्मी आपने क्या मंगवाया है? चिकन मंचूरियन। अम्मी ने बनाया चिकन मंचूरियन। 500 साल बाद हमारा खाना आ चुका है फाइनली। भाई रोटी छोटी आ गई, रोटी छोटी बनते गाइस। हमने रोटी छोटी तो खा ली है, अब हम जा रहे हैं शीशा पीने के लिए। शीशे का व्लॉग डालते हैं आप। एक जैसा हमारे साथ आएंगे, अभी हमारी बारी आने नहीं दे रही है। चर्चन दे दे यार, दे दे। हम दो मस्ती, दो मस्ती लोग बैठे हैं, हम दो ही मस्ती हैं। ये एक नंबर ही है। ये इतनी मुश्किल से इसने इस शख्स ने छोड़ा था, ये इस शख्स ने पकड़ लिया है। ओह माय गॉड, ओहो हो, हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। Oh my God. इनके बाद पहले अब हमारा नंबर आ चुका है। अब शीशा पी पी के जो ना हमारी हालत टाइट हो गई है, बस अब एंड हो गया। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, अब हमारी बस हो चुकी है। सो गाइस, अब हम वेट कर रहे हैं घर जाने का, गाड़ी आ रही है तो
अरीबा से पूछते हैं आज का दिन कैसा गुजरा हमारा। बहुत अच्छा गुजरा, हरामीपन करके बहुत मजा आया। हरामीपन जो मेन चीज है वो है ही है, हरामीपन करके ही मजा आता, ऐसे नहीं आता हमें। आज की सवारी हमारी अपसारा में रहने के लिए आया है इस गाड़ी में। सिट सिट सिट, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। बहुत थक चुके हैं गाइस, बहुत थक चुके हैं। बस हो गई है, अब सिर्फ घर जाएंगे, आराम करेंगे, केक काटेंगे और चिल करेंगे। थके हुए हो और ऊपर से ये कोल्ड कॉफी मिल जाए, क्या ही बात है। सो गाइस, लास्ट काम एक रह गया है जो सबसे पहले करने वाला होता है, हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं, वो है केक कटिंग। तो ये केक कटिंग की रिहर्स हो रही है, जरा चेक करें क्या है ये? ये रिहर्सल हो रही है केक कटिंग, ये किस तरह केक कटेगा, क्या एंगल होगा, ये केक कटिंग की रिहर्सल हो रही है कि किस तरह केक कटेगा, क्या एंगल होगा, ये सब कुछ। तो केक कटिंग सेरेमनी कर दो भाई, कर दो, कर दो, कर दो। सो फाइनली इनका एंगल डिसाइड हो गया, फाइनल शोडाउन। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अक्सा, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक तो केक खिलाओ, केक खिलाओ, केक खिलाओ। केक निकाल कैसे इतना हो रहा है यार, केक खिला दो यार, खिला दो, केक खिला दो, खिला दो। कौन से तूने सेव किए रेडियो? नहीं है, किए जाहिर दिखा, तूने नहीं किए, केक खिला दो। नहीं नहीं, ये गाइस केक खिलाया जा रहा है, उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।